बिलासपुर नगर परिषद को अटल श्रेष्ठ योजना के तहत पुरस्कार मिला। ये पुरस्कार नगर परिषद बिलासपुर द्वारा किए जा रहे बेहतरीन एवं उत्कृष्ट कार्यों के लिए 25 दिसंबर को अटल जयंती पर मनाली में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ईओ बिलासपुर उर्वशी बालिया को प्रोत्साहन पुरस्कार से नवाजा गया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए बिलासपुर की ईओ उर्वशी बालिया ने बताया कि अटल श्रेष्ठ योजना के तहत प्रदेश के 5 शहरों का चयन हुआ था, जिसमें बिलासपुर को भी इस इनाम से नवाजा गया है। बिलासपुर नगर परिषद को अटल श्रेष्ठ योजना के तहत पुरस्कार मिला है। ये पुरस्कार नगर परिषद बिलासपुर द्वारा किए जा रहे बेहतरीन एवं उत्कृष्ट कार्यों के लिए 25 दिसंबर को अटल जयंती पर मनाली में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा बिलासपुर उर्वशी बालिया को प्रोत्साहन पुरस्कार में नवाजा गया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए बिलासपुर की उर्वशी बालिया ने बताया कि अटल श्रेष्ठ योजना के तहत प्रदेश के 5 शहरों का चयन हुआ था, जिसमें बिलासपुर को भी इस इनाम से नवाजा गया है। उर्वशी बालिया ने बताया कि नगर परिषद को ये पुरस्कार स्वच्छता, साफ सफाई, सार्वजनिक सेवा प्रदान करना, आय में बढ़ोतरी, निर्माण नियम धन उपयोगिता तथा नियमों के तहत काम करने की मापदंडों को देखते हुए बिलासपुर नगर परिषद का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा, जिसमें बिलासपुर को नगद धनराशि के साथ 5 लाख रुपए की धनराशि से नवाजा गया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से अन्य जिलों को उच्च श्रेणी के पुरस्कार से नवाजा गया है, उसी तरह आने वाले वर्ष के लिए भी बिलासपुर में अच्छे कार्य करके इस श्रेणी में लाया जाएगा और अगले वर्ष बिलासपुर भी उच्च श्रेणी का पुरस्कार प्राप्त करेगा। गत वर्षों में सीएम साहब ने जो अटल सर्वश्रेष्ठ शहर के लिए अनाउंसमेंट किया था अपने बजट स्पीच में, और उसी के तहत जो है हमारे डायरेक्टरेट निदेशालय ने जो है पिछले साल पुरस्कार नहीं दिए, तो इसी साल जो है अटल जयंती पर जो ये पुरस्कार दिए हैं। तो इसमें जो सबसे अच्छा शहर होता है माना जाता है, जिसका चयन हुआ है, उसको पिछले वर्ष का सुंदरनगर को 1 करोड़ रुपया मिला है और पालमपुर को इस वरी का 1 करोड़ मिला है और चौपाल और जो आपका राजगढ़ है उनको 75 लाख रुपये मिले हैं। तो इसके साथ साथ जो हमारा सिटी था वो भी कंपटीशन में था, बिलासपुर कंपटीशन में था और हमें जो है प्रोत्साहन राशि दी गई है, जो कि हमारी अनेक जो वर्क थे उनके अगेंस्ट हमारे को ये 5 लाख की राशि मिली है, जिसमें हमारा सर्विस डिलीवरी हमारी अच्छी थी। जो लोग हमारे कार्यालय में वर्ष भर आए, उन्होंने अच्छे से त्वरित उन्होंने अपना काम करवाया है और सफाई व्यवस्था में अच्छे रहे हैं। हमारा जो इसका इनकम था वो हमने बढ़ाई है और हमने जो बजट था वो टाइम पीरियड में ख़त्म किया है, और साथ में हमने जो अन्य जो हमारे 11 मेंबर जैसे हैं वो हमारा नक्शे वगैरह हैं या अन्य स्कीम्स हैं वो हमने इसमें निपटाई थी, और लोगों से अच्छे बिहेवियर के लिए भी हमारे नगर परिषद में एक हमने आयाम स्थापित की है, उसके अंतर्गत जो है हमें ये प्राइज दिया गया है। और चूंकि मैं ये कहना चाहूँगी कि हम लोग कंपटीशन में थे और हमने कंपटीशन किया है, मुझे इस बात की खुशी है, लेकिन कोशिश करूँगी कि अगले जो वर्ष का पुरस्कार होगा उसको नगर परिषद बिलासपुर अवश्य जीतेगी और 1 करोड़ की श्रेणी में आएगी, क्योंकि कुछ चीज़ों में हमारी कमी रही है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर आय के संसाधन कुछ कम होने की वजह से कई चीज़ों को हम समयबद्ध कर भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ें लोगों की बेसिक एमिनिटीज हैं उनको डिलीवर करने में थोड़ी दिक्कत हमें आ रही है। कोशिश करेंगे अगले साल तक हम अपने सर्विसेज और सुधारेंगे और आपको 1 करोड़ की श्रेणी मिलाएंगे।